लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में फूलपुर लोकसभा संसदीय सीट के प्रत्याशी प्रवीण पटेल के समर्थन में प्रयागराज महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में शहर पश्चिमी क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। उस दौरान राजरूपपुर इलाके में समर्थकों के साथ महानगर अध्यक्ष ने जनसंपर्क किया और बीजेपी सरकार द्वारा कराए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाया गया और लोगों को भरोसा दिया गया कि पुनः सरकार बनने के बाद जो कार्य नहीं हो पाया है उसको कराया जाएगा। समर्थकों ने हाथों में बीजेपी का झंडा लिए जनसंपर्क किया और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया गया और कहा गया कि बीजेपी सरकार को वोट दे ताकि सरकार बनाने के लिए देश का विकास हो सके। विपक्ष पूरी तरह से भ्रमित है, विपक्ष को खुद नहीं पता है, वो बार बार कैंडिडेट बदल रहा है। अखिलेश यादव जी, मायावती जी, आप देखिए अभी जौनपुर का प्रकरण देखिए, अपने ही प्रत्याशी का वो लोग टिकट काट रहे हैं। विपक्ष खुद भ्रमित है, उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है कि हम किसको लड़ाएं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार है। हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 से 80 सीटें जीत रहे हैं। अभी आपने देखा, ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं है, ये स्वतः आए हुए लोग हैं, स्वतः जुलूस में सम्मिलित हो रहे हैं, स्वतः जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही है। मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं अविनाश दुबे, युवा जनसंपर्क प्रमुख, फूलपुर लोकसभा। आज जनता पूरी तरह से जागरूक होकर के सिर्फ भाजपा को वोट कर रही है। योगी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय जो है मोदी जी के नेतृत्व में पूरी जनता एक टकटकी लगाए बैठी हुई है। 4 तारीख को अपना जो है पूर्ण सहमत दे करके और माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री पर स्थापित करने जा रही है और यहाँ पे सभी वर्ग के लोग इकट्ठा हुए हैं। आज जो जुलूस में हमारे माननीय जो है अध्यक्ष जी श्री राजेंद्र मिश्रा जी, युवा और अधिवक्ता समाज, मैं स्वयं जो है पूर्व मंत्री अधिवक्ता संघ राकेश कुमार दुबे, मैं स्वयं अपने अधिवक्ता साथियों के साथ स्वेच्छा से हम लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कटिबद्ध हैं और घर घर में जाकर के जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि 4 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ पुनः भाजपा की सरकार बने और 400 के पार जाए। साइकिल का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, नष्ट हो चुकी, पंचर तो खत्म कर दीजिए, जंग लग करके, मोर्चा लग करके सड़क लग गई है, कुछ साइकिल कहीं अस्तित्व में नहीं है और हाथी पूरी तरह नष्ट नाबूद होकर के केरल के जंगलों में भटक रही है, कहीं कुछ है ही नहीं। तो और कांग्रेस यहाँ से नहीं, वो विदेश में राजनीति कर रहा है। कांग्रेस यहाँ से नष्ट नाबूद हो चुकी है, उसको अभिशप्त है वो कांग्रेस। पूर्व में ही माननीय स्वामी कर्पात्री जी महाराज ने श्राप दे दिया था, भारत से तेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तेरी मौत तुम लोगों के पूरे खानदान की अकाल मौत होगी। इसलिए पूरी तरह से कांग्रेस नष्ट हो चुकी है, उसका नाम लेना भी महापाप होगा। लगातार आप लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और इस बार 400 पार का नारा आप लोग दे रहे हैं, किस तरह आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और किस तरह लोगों जनता से मिल रहे हैं? इस समय पूरे देश में जो माहौल है वो आदरणीय मोदी जी के पक्ष में है और इस 4 जून को 4 बजे 400 के पार फिर मोदी जी की सरकार। पूरे देश की जनता आदरणीय मोदी जी को अपना आशीर्वाद पहले भी दी थी और फिर आशीर्वाद देने जा रही है और जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार और मोदी जी ने कहा, वादा किया है देश की जनता से, अब की बार 400 के पार। जनता का पूरा आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी को प्राप्त है क्योंकि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाज के उन्होंने 4 वर्णों में बांटा, युवा, महिलाएं, किसान और गरीब परिवारों के कल्याण के लिए
उन्होंने तमाम कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दबे कुचले पिछड़े वंचित शोषित और समाज के निचले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की चिंता करते हुए उनके समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास किया है। इसलिए देश की जनता आदरणीय मोदी जी के साथ में है और उनको आशीर्वाद दे रही है। इस बार जनता ने मन बना लिया है 400 के पार फिर एक बार मोदी सरकार। अध्यक्ष जी, जैसे पल्लवी पटेल कह रहे हैं कि इस बार जुमलेबाज की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, तो क्या कहेंगे उसके लिए? पल्लवी पटेल कहीं लड़ी नहीं रही हैं, तो उनकी आप बात कर रहे हैं। इसमें पूरी देश की जनता मोदी जी के साथ एक जनसैलाब खड़ा है कि मोदी जी ने सबकी चिंता किया, सभी जाति सभी धर्म सभी संप्रदाय सभी मजहब के लोगों को चिंता करते हुए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ईमानदारी से लाभ पहुंचाने के बाद क्या वो लोग सपना देख रहे हैं? शायद हो सकता है कि उनके दल के खाता भी ना खुल पावे। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर 80 भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलने जा रही है। कमल का फूल खिलेगा मोदी जी पूर्ण बहुमत से और 400 के पार। विपक्ष बार बार कह रहा है 400 तड़ी पार, इस पे क्या कहेंगे आप? विपक्ष कहीं लड़ाई में है ये नहीं है, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है, पूरे प्रदेश में नहीं दिखाई पड़ रहा। आप देख लीजिए जो जो दल के जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जो संगठन के मुख्य बनाए हुए हैं उनके मुखिया लड़ने को तैयार नहीं है और वो कहीं दूर दूर तक जीतने की स्थिति में नहीं है। विपक्ष तो कह रहा है 200 सीट भी नहीं पाएगी बीजेपी। हाँ, विपक्ष तो कहीं 200 सीट भी नहीं पा रही बीजेपी कहीं। भारतीय जनता पार्टी की 400 के पार जनता ने आशीर्वाद दे दिया है, 400 के पार भाजपा जा रही है। विपक्ष कहीं दूर दूर तक है, उत्तर प्रदेश में उनका खाता नहीं खुलेगा, न कांग्रेस का न समाजवादी पार्टी का और न उनके सहयोगी दलों का जिन्होंने भ्रष्टाचार किया अपराध किया आतंकवाद किया देश को लूटा है गुंडागर्दी किया है माँ बहनों का अपमान किया है नौजवानों की उपेक्षा किया है। पूरे उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती सरकारों ने विकास कार्य को अवरुद्ध कर दिया। पूरे प्रदेश में जंगल राज था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकारों में। ये घोटालेबाज सरकार लोग हैं, इन्होंने देश को तबाह किया है, जनता इनको जान चुकी है और 4 जून को इनके सब इन दलों के जमानत जब्त कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक विजय श्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त करने जा रही है। और उत्तर प्रदेश की जनता आज मोदी जी के साथ खड़ा है और हम मुझे विश्वास है विकास दिख नहीं रहा है, चारों तरफ विकास भारतीय जनता पार्टी के शासन में दिखाई पड़ रहा है। चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही है, हाईवे पुल का निर्माण हो रहा है, रेलवे पे क्रॉसिंग हो रही है, घर घर में पानी की समस्या का समाधान हो रहा है, घर घर बिजली पहुंच रहा है और मोहल्लों को बस्तियों को बड़े सड़कों से जोड़ा जा रहा है, हाईवे सड़कों का रोज निर्माण हो रहा है, रिंग रोड बनाए जा रहे हैं, पूर्वांचल विकास योजना तमाम योजनाओं के माध्यम से जनता कल्याण हो रहा है, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं हम, 5 लाख का मुफ्त इलाज दे रहे हैं हम, घर घर अनाज दे रहे हैं, गरीबों को मकान बना रहे हैं और गरीबों को मकान दे रहे हैं, सुलभ शौचालय दे रहे हैं, बेटी पैदा होने से लेकर पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा सारी सुविधाएं दे रहे हैं हम। समाज के ईमानदारी से पारदर्शिता पूर्वक रचनात्मक और समाज के कल्याणकारी योजनाओं के तहत सबको लाभ पहुंचा रहे हैं, सारा समाज के लिए और सारा समाज भाजपा के साथ आदरणीय मोदी जी के साथ देश के नेताओं के साथ में है। अब की बार 400 के पार।